आईपीसी का सेक्शन 320 ये ग्रीवियस हर्ट के बारे में है, यानी कि गंभीर चोट या घोर उपहति। अब किन परिस्थितियों में कोई चोट गंभीर चोट बन जाती है वो इसमें डिफाइन किया गया है, इसमें दिया गया है। इसमें 8 पॉइंट दिए गए हैं जो इस तरह है कि पहला जो है वो इमास्कुलेशन है, यानी कि किसी को नपुंसक बना देना, नपुंसीकरण या निर्बल बना देना, वो पहली ऐसी गंभीर चोट बन जाती है इसके हिसाब से। दूसरे नंबर पर दिया गया है कि अगर किसी की जो देखने की शक्ति है, यानी आंख से देखने की शक्ति है, वो अगर परमानेंटली ख़त्म हो जाए, उसका विच्छेद हो जाए, तो उसे भी गंभीर चोट माना जाता है। किसी भी कान के सुनने की शक्ति का मतलब परमानेंटली ख़त्म हो जाना या उसका विच्छेद हो जाना, उसको भी गंभीर चोट माना गया है। किसी भी अंग या जोड़ का जो है परमानेंटली विच्छेद हो जाना, अलग हो जाना, उसको भी जो है गंभीर चोट माना गया है। किसी अंग या जोड़ की जो है शक्ति जो है उसका एक तरह से शक्ति ख़त्म हो जाना हो या उसका परमानेंटली एक तरह से डिस्ट्रक्शन होना या ख़राब हो जाना, किसी अंग या जोड़ का एक तो अलग हो जाए वो तो दूसरा है, लेकिन जिसमें ख़राब हो जाए वो 5वें नंबर पर माना गया है। 6ठा पॉइंट जो दिया गया है ये है कि भाई किसी के सिर पर या चेहरे को इस तरह से डिसफिगर कर दिया कि उस वो मतलब पूरा परमानेंटली डिसफिगरेशन जिसमें होता है, चोट चेहरे पे आए या सर पे आए। 7वां अगर किसी हड्डी का टूटना या दांत का टूटना या उसका अलग हो जाना, वो भी गंभीर चोट माना गया है। इसके अलावा ऐसी कोई भी चोट जिसके चलते जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो अगले 20 दिन तक उसको पीड़ा रहे, उसको दर्द रहे और वो जो नॉर्मल काम काज करता है वो अगले 20 दिनों तक ना कर पाए, तो उसे भी गंभीर चोट आईपीसी की धारा 320 के अनुसार माना गया।